एंड दिस वन और भाई पहले कुछ नहीं बता रही थी ये। गुड मॉर्निंग गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो अभी हूँ मैं मामित डिस्ट्रिक्ट के अंदर, प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ चुका हूँ भाई इस बार तो मैं, क्योंकि कल रात को जिस भाई साहब के साथ हम हिचहाइकिंग करके आ रहे थे राजीव नगर से, वहाँ से मेरे को डायरेक्ट लिफ्ट मिला था आइजोल के लिए। लेकिन रास्ते में भाई साहब का दिमाग घूम गया, बोले कि मामित में मेरा बहन रहता है उनके घर पर जाऊँगा फिर आइजोल जाऊँगा, तो आपके पास ऑप्शन है आप या तो डायरेक्ट निकल जाओ खुद से या फिर दूसरा ऑप्शन है मेरे साथ कल चलना। तो डायरेक्ट का भाई कोई दूसरा गाड़ी मिलता नहीं, यहाँ पे 3 या 4 दिन इंतजार करने के बाद भी कोई कंफर्म नहीं है कि आपको आइजोल जाने के लिए गाड़ी मिलेगा या नहीं मिलेगा राजीव नगर के बीच रास्ते से। तो हम लोग इनके साथ मामित आ गए और अभी हैं हम इनके बहन के घर के ऊपर। और ये है अपनी दीदी जो सुबह सुबह बिटरनट छिलने लगी, क्योंकि सारे दिन ये खाना है, फिर अभी से जमा करके रख लेंगे पूरा। हाँ इंग्लिश बिटरनट मिजो हाँ। अब चलते हैं इनके घर से बाहर, इन्होंने जो जीव जंतु पाल रखे उनको दिखाता हूँ मैं आपको। ओहो भाई सुअर पालने का क्रेज ना पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर, अगर ना कि प्रॉपर मतलब मिजोरम में, मेघालय में, त्रिपुरा, 3 स्टेट देखे मैंने, तीनों स्टेटों के ऊपर आपको रोड के ऊपर कटे हुए सुअर मिल जाएंगे घरों के अंदर, ऐसे लोग पालते हैं। और कुछ लोग मेरे को बोल रहे थे कि यार सुअर कैसे खा सकते हैं लोग जब ये घर पे पालते हैं अपने किसी जीव को, यार पर्टिकुलर इनको कोई दूध निकालने के लिए या फिर दूसरे यूज के लिए पाला नहीं जाता, इनको पाला इसलिए जाता है ताकि जल्दी से बड़े हों, इनका वेट लगभग 50 kg के आसपास पहुंचे और इनको काटें और खाएं। और ये ऐसे इसलिए रो रहे हैं क्योंकि इनका एक बड़ा भैया था या मम्मी थी पता नहीं मेरे को, उनका डिनर बन गया था रात को। और ये है इनका मुर्गियों का बाड़ा, ये इनको खाने के लिए नहीं रखा भाई इन्होंने, ये सिर्फ अंडा लेते हैं इनसे खाते नहीं है, मुर्गी शायद इनको ज़्यादा पसंद नहीं होगा वरना छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। आए भाई दिखने में तो क्या बोलते हैं अपने आलू बुखारा जो बोलते हैं उसके जैसा लग रहा है। ओ कालो में कालो में तुई खट्टा है, ओ अति खट्टा है, समझ गया। ये लग चुका भी अपना मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट या फिर ब्रंच है, व्हाट मस्टर्ड मस्टर्ड। और ये दाल, दिस फिश, ये मच्छी, इन लोगों का मिर्ची का चटनी है, और ये भी कुछ विटामिन सी है पता नहीं मेरे को। और ये डायरेक्टली ये लोग घास खाते हैं जैसा मैंने मेघालय में भी देखा था, पता थंको नहीं पता डायरेक्ट। यू कुक द फूड, कुक यू दिस, यू कुक और नॉर्थ ईस्ट में एक और चीज आपको देखने को मिलेगी कि जो घर के काम है वो औरतों से ज्यादा आदमी संभालते हैं यहाँ पे, मतलब हाउस हस्बैंड के जैसे मार्केट में काम करते हुए ज्यादा दिखेंगे आपको लेडीज लोग, और जो घर का काम है वो मर्द संभालेगा। और खाने के बाद टाइम हो गया एक क्वाई खाने का। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अभी मैं जिस फैमिली के साथ ठहरा हूँ ये लोग हैं मिजो, और मिजो भी लगभग 95% लोग क्रिश्चियंस के अंदर चेंज हो चुके हैं, और ये भी क्रिश्चियंस हैं। यू आर प्रेसबिटेरियन ना, सो यूके शायद, ये नाम मैंने पहले नहीं सुना, ये मेघालय में नहीं था, मेघालय में प्रेसबिटेरियन था, कैथोलिक था और एक दौर था वो मेरे को याद नहीं। तो मेन बात जो थी वो मैं ये बताना चाहता था कि ऐसा नहीं कि ये बस मतलब इनका जो लाइफस्टाइल है वो ओरिजिनल जो मिजो ट्राइब होता था पहले उनके जैसा है, सेम क्रिश्चियंस की तरह, मतलब जैसा कि अपने यूरोपियन कंट्रीज में रहते हैं इनका घर बनाने का तरीका भी वो है, लाइफस्टाइल भी वैसा ही। घर देखिए आप इनका, देयर इज ए किचन और किचन के अंदर ही बना है ये कॉमन रूम, सेम लाइक जैसा कि हम यूरोपियन कंट्रीज के अंदर मूवीज में देखते हैं वैसा है। और एक मिलेगा बिल्ली जो कि पर्टिकुलर होता है इन लोगों का, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लोग अपने जड़ें भूल चुके हैं, अपना पुराना मिजो किचन भी है इनके घर के ऊपर। ई हमिंग म्याऊ म्याऊ नाम पूछ रहा था मैं क्या निकालो कैसे बोलते म्याऊ म्याऊ। वैसे यहाँ पे मिजोरम के अंदर बिल्ली को म्याऊ म्याऊ बोलते हैं। तो भाई अब टाइम आ गया इस प्यारे से फैमिली को छोड़ने का और आइजोल के लिए निकलने का। ये अपने बैग बैग्स, माय फोन, या फोन भूल गया मैं।
Every time I forgot something, something anywhere. Once a time I forgot my ATM card in ATM. Okay. Thank you. Chiblai. 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 Kal laume. Kal laume. Bye bye. उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट टाइम तक आप मिलोगे। बाय बाय। घर देखो यार इनका डिजाइन बनाने का तरीका, और नीचे की तरफ ये रखते हैं स्टोरेज रूम अपने घर के, ताकि बारिश वगैरह मानसून के टाइम में लकड़ियाँ सूखी मिल जाए इनको। या या ट्रक कहाँ पे पार्क किया यार इन लोगों ने? मिल गया वो सामने की तरफ घुमा के ला रहे हैं। एकदम हाओ हाओ फ्रेंडली पीपल हैं यार मिजोरम के। और ये सामने की तरफ बना हुआ है प्रेसबिटेरियन चर्च। मैं कल रात को यहीं पे गया था, यहाँ पे प्रेयर चल रहा था, इन लोगों का प्रेयर के लिए प्रैक्टिस चल रहा था, और माहौल बड़ा खतरनाक बन रखा था, बिल्कुल हॉलीवुड मूवियों के जैसे। वो वाला क्लिप मैं ऐड करूंगा इसके अंदर, देख लेना। कैन यू टेक दिस? वापस करते हैं अपनी जर्नी कंटिन्यू। और मैं मैट अपना यहीं पे छोड़ गया था, क्योंकि कल इसका हालत बहुत ख़राब हो गया था। ऊपर अचुंगमो यार अपने वाले ड्राइवर लोग बड़े मस्त हैं। ड्राइवर नहीं भाई बोलना चाहिए यार। और मस्त इसलिए बोला मैंने क्योंकि यार शाम को इनको अपनी बहन का घर नहीं मिल रहा था, और सुबह में इनको आइजोल का रास्ता नहीं मिल रहा, क्योंकि एवरी टाइम रोक्सी चढ़ा के रखते हैं लोग। On my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till it hit. तो अभी हम आइजोल की तरफ निकल रहे थे, लेकिन रास्ते में रोड बनाने का काम चल रहा है, तो सामने गाड़ी अटकी और हम भी जंगल में फंस गए। तकरीबन आधा घंटा हो गया यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं, आज मिजोरम आइजोल 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 पहुँच जाएंगे काफी आराम से। आइजोल कितना किलोमीटर? आइजोल समरियत 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 90 100 90 100। ओके समरियत। ये छोटी छोटी बातें हैं, जब आप इनको बात करते हुए देखते हो तो कैच हो जाती हैं, और फिर वो अगर आप मेमोरी में डालना चाहो तो लैंग्वेज सीखना इतना कोई ज़्यादा हार्ड रह नहीं जाता कोई भी। और यहाँ पे रोड ऐसे ही बनता है, यहाँ पे कोई वो बुलडोजर वगैरह तो पहुँच नहीं पाता, तो ये लोग सीधा पहाड़ से पत्थर तोड़ के यहाँ पे बिछा देते हैं, और फिर कभी बजट वगैरह का कोई सिस्टम होता है तो इसके ऊपर डामर बिछ जाता है, वरना फिर ऐसे ही पड़े रहते हैं। भाई रास्ता साफ हुआ था कि अपना गाड़ी तो आने लग गया, लेकिन आगे से गाड़ी आ रहा है एक और पीछे लेने का। भैया यार कितना एडवेंचर होता होगा ना इन लोगों के लिए यहाँ पे गाड़ी चलाना। ऐसा रोड कहीं पे से भी ज़्यादा ख़राब हालत रोड के नाम पे कुछ नहीं मिलेगा, साइड में खाई मिलेगा, ऊपर से लैंडस्लाइड मिलेगा इस मानसून के सीजन में पर्टिकुलर। और फिर दिखाते हैं लोग अपने ड्राइविंग स्किल्स। एडवेंचर सिर्फ जो टूरिस्ट आते हैं दो दिन के लिए उनको लगता है, इनके कितने लोग मर जाते हैं हर साल लैंडस्लाइड में, खाई में गिर के, वो चीज़ें हम लोग नहीं सोच पाते। काम काम काम। और ऐसे रास्तों पर यार रिवर्स करना भी आसान नहीं होता, 200 मीटर तो हो गई और पता नहीं कितना, लेकिन उस बैंड के ऊपर शायद हमारा गाड़ी निकल जाएगा। कम 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 कम। फाइनली 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 200 मीटर बैक करने के बाद अपना गाड़ी को जगह मिल गया। चलता लो भाई साहब, थोड़ा सा और चले होंगे 5-10 मिनट के सामने लैंडस्लाइड। चलते हैं नीचे जाके, ज़्यादा मज़ा आएगा। भाई ये वाला लैंडस्लाइड 2-3 मिनट पहले ही हुआ है, अगर वहाँ पे और लोग रोड बनाने वाले नहीं मिलते तो क्या पता ये हमारे ऊपर भी हो सकता था। और लैंडस्लाइड होता है तो दो ही चांस होते हैं, या तो आपका गाड़ी उसके नीचे दब जाएगा, या फिर जब मिट्टी गिरेगा तो प्रेशर से आपका गाड़ी नीचे खाई के अंदर। इसी वजह से अपने नॉर्थ ईस्ट के अंदर सैकड़ों हज़ारों लोग मरते हैं यार हर साल मानसून के अंदर। और भाई अगर सच बताऊं तो ये वाला रोड जो रास्ता है ये अपने आता को मैंने ही सजेस्ट किया था, क्योंकि उनको रास्ता पता नहीं था, मैंने मैप में देखा सैटेलाइट में, तो ये वाला जो रोड था ये थोड़ा
पतला सा और एडवेंचर्स दिखा रहा था, मैं बोला इधर से ले लो, ये आइजोल के लिए जाएगा। शॉर्टकट है थोड़ा, लेकिन जंगल का रास्ता है, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती रहेंगी अपने को, तो मज़ा आएगा भाई। और लैंडस्लाइड की दूसरी तरफ बैठी है ये फैमिली। ओ हेलो सेमी, हेलो हेलो, लाइक दिस दिस टू दिस, ई हमिंग ई हमिंग तुंगे ई हमिंग एमिलिया। ओके सी श्वांगी श्वांगी। तो यहाँ पे एक चीज़ और स्पेशल देखी मैंने, इस बैग के अंदर इन बच्चों का खाने पीने का सामान रखा हुआ। इनको पता होता है कि रास्ता कहीं भी ब्लॉक मिल सकता है, कितना भी टाइम लग सकता है, तो इनका पिकनिक भी इंजॉय हो जाता है साथ में। देख रहे हो कैसे स्नैक्स इंजॉय कर रहे हैं, इनको कोई फर्क ही नहीं साला क्या हो रखा है क्या नहीं। अच्छा मेहता क्यू मी वन बिस्किट। कल लाओ मैं, कल लाओ मैं। हाँ खुल गया भाई आखिरकार एक घंटे की मशक्कत के बाद। चलो अब चढ़ते हैं गाड़ी में। तो ये हो जाता है भैया अपने एडवेंचर का एंड। ये वाला था सामने वाला जंगल का रास्ता, और ये आपका आइजोल का हाईवे। तो भाई साहब हाईवे पे पहुंचते हैं, इन लोगों ने ले लिया अपना रॉक्सी ब्रेक फिर से। भाई बिना भी ये लोग गाड़ी चलाता ही नहीं है, चलाता ही नहीं है। कुमनो शॉप यार, मैं भी कुछ ले लेता हूँ खाने पीने का, इन लोगों को देख देख के मन तो मेरा भी कर रहा है, लेकिन रॉक्सी तो नहीं पी सकता इनके साथ में। हाउ मच 50 ओके यार, ज़्यादा नहीं 200-300 मीटर या फिट ही उतरे होंगे पहाड़ी से, और यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा हो गया। गर्मी फीलिंग समर हॉट, यू आर लुकिंग हॉट। तो दो दिन इस ट्रक में बिताने के बाद आखिरकार पहुंच चुके हैं आइजोल। आइजोल तो नहीं पहुंचे हम लोग, आइजोल यहाँ से 11-12 किलोमीटर होगा, लेकिन जो अपने आता है वो यहीं तक जाएंगे। तो अपना सामान देखो भाई कैसे बिखरा पड़ा है, पहले इसको समेटते हैं और फिर भाई बैग की हालत देखो, हालत देखो, और दूसरे वाला लैपटॉप बैग। भाई कोई सोल्यूशन नहीं होता, जब गाड़ी पूरा इतना हिलता है ना, तो आप अपनी जान बचाओगे या बैग की जान बचाओगे। इधर कोने में ऐसे पकड़ के बैठ के जाना पड़ रहा था हमें, ऐसे 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 कुछ भी बोलो यार, लेकिन ट्रिप में मज़ा बहुत आया। और साथ में एक दिन हमने मिजो फैमिली के साथ में बिताया मामित में, भाई लोगों की वजह से। अभी भी मैं ट्रक के अंदर ही बैठा हूँ, नीचे उतरे थे फिर वापस चढ़ना पड़ गया, क्योंकि अपने साथ हो गया एक और छोटा सा पंगा। पंगा क्या हुआ कि नीचे उतरने के बाद जो ड्राइवर लोग हैं इनके पास भी पैसे कम ही बचे, और इनको भी आगे 100 किलोमीटर जाना है, तो ये बोले यार कुछ खर्चा पानी दे दो हम लोग। वैसे मैं लिटरली देना चाहता था इनको, लेकिन जो पर्स था अपने सुदीप भाई का, वो मैं जो मिरिंडा लिया था उस दुकान पर छोड़ आया। यार मेरा तो ये चलता है, लेकिन ये बेचारा बहुत ज़्यादा टेंशन के अंदर है, इसके साथ पहली बार हुआ है ना ऐसा। और मोस्टली यार लोग संभाल के रखते हैं, मैं ही अपनी चीज़ें खोते हुए चलता हूँ सारी। लेकिन पर्स मेरे हाथ से गुम हुआ है तो मिल जाएगा कन्फर्म है, थोड़ा सा क्या बोलते हैं दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। जो लोकेशन है वो देखिए, मैंने ऊपर वाली जंगल वाली रोड से जो नीचे वाली रोड पर आता है ना, तो उसी के पास में है वो दुकान, तो वहाँ से देख के उस गांव की लोकेशन पता करेंगे, फिर वहाँ के पीएस के अंदर कॉल कर देंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो वो लोग पार्सल कर देंगे, अगर नहीं हुआ तो खुद जाके ले आएगा, मैं नहीं ये। तो अभी ट्रक वाले भाई साहब अपने को लेके जा रहे हैं किसी दुकान के ऊपर, जहाँ पे अपने को फोन पे या गूगल पे मिल जाए, तो इनको कुछ खर्चा पानी दे दें अपने। या आई विल श्योर विजिट यू व्हेन आई कम नेक्स्ट टाइम। योर विलेज नेम? ये बुंगरांग। बुंगरांग नियर राजीव नगर। आई शेरशिप। शेरशिप शेरशिप ओके। Next time I will come to you. Not one night five. Hey, Dolu. Can you see two man? I do la. Receive the car. Sorry, na. Don't mind. I have not much money now. Okay. No problem, na.
तो भाई जैसे तैसे 400 रुपए कर पाए, मैं ज़्यादा तो नहीं कर पाई, लेकिन कोई बात नहीं यार, 400 रुपए तो अपने अगर ऐसे आते तो खाने पीने में भी लग जाते, रात को इनके घर पे रुके वैसे काफ़ी अच्छे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पैसे के मामले में यहाँ पे मोस्टली क्या चलता है कि आपने भी देखा होगा सुमो वगैरह ही चलता है, तो लोग ऐसे किसी को बिठाते नहीं है, हर चीज़ का पैसा मांगते हैं पैसा मांगते हैं, लेकिन गॉड स्वेयर दिल से बहुत अच्छे लोग थे। तो अभी सबसे पहला काम तो अपना ये है कि भाई का पर्स ढूंढवाना है, उसके बाद करेंगे जो भी होगा। यार प्लान तो मेरा ये था कि 3 बजे तक मैं आइजोल में पहुँच जाऊँगा, बाद में सिटी घूमा, क्योंकि कल संडे है तो पूरा मार्केट बंद रहेगा, फिर परसों निकलने की सोच रहा था मैं, लेकिन प्लान डजंट वर्क यार। ये है अपनी आइजोल सिटी, 10 किलोमीटर दूर से शाम को ऐसा व्यू आता है, मेरे को देखने में ये थोड़ा थोड़ा मनाली से सिमिलर लग रहा है। इसको भी इंजॉय करते अगर पर्स गुम नहीं होता तो, वैसे मैं तो इंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन अपना जो पार्टनर है उसकी हालत देख के मेरे से इंजॉय सही से किया नहीं जा रहा। बट पहले दिमाग को थोड़ा शांत करते हैं, चाय वगैरह पीने की दुकान बेबी टी शॉप यहाँ पे मिलेगा शायद। कल लाओ मैं फुल कप। तो भाई अभी सीन कुछ ऐसा चल रहा है कि मैंने अपना रिकॉर्डिंग चेक किया तो मेरे को उस दुकान का नाम मिल गया उसके ऊपर, फिर मैंने यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया, उनको बोला कि वो एरिया आपके ज्यूरिडिक्शन में आता है तो आपको शॉर्ट आउट करो, बट वो बोले कि हमारे ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता, वो आता है मामित के। उन्होंने मेरे को मामित के SI के नंबर दिए, फिर मामित के SI को मैंने बताया भी देखो ऐसे ऐसे बात हो गया, और रिकॉर्डिंग के अंदर साफ दिख रहा है कि मैंने अपना जो पर्स है वहाँ पे काउंटर पे रखा हुआ है। तो बोले कोई बात नहीं, आप अपना डिटेल्स और जो फ़ोन नंबर है या फिर जो भी पर्स के अंदर आपकी चीज़ है वो मेरे को भेज दो, और सबसे मेन जो आपका ILP है वो भेज दो, क्योंकि ILP के बिना आपको यहाँ पे कोई टूरिस्ट नहीं मानता। आप एंट्री तो विदाउट ILP भी कर सकते हो, आपको कोई नहीं पूछेगा, बट अगर ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ हो जाता है तो ILP इज़ द मस्ट। फिर उन्होंने कॉन्टेक्ट किया उस दुकान से और अभी उनका फ़ोन आया कि हमारा जो पर्स था वो रिकवर हो गया फाइनली। तो अभी लफड़ा बस यही है कि वहाँ से लेके आना पड़ेगा हमें या फिर सर किसी के हाथ भिजवा देंगे, वो कन्फर्म नहीं हुआ, अभी फ़ोन करने वाले हैं वो। तो फाइनली एंड ऑफ द स्टोरी, हैप्पी एंडिंग। यू आर फीलिंग गुड? पेटीएम्स पीस। तूने दिखाया तो नहीं बिल्कुल। भाई का हालत बिल्कुल ख़राब था, अभी थोड़ा थोड़ा खुशनुमा हुआ है। ये होता है यार, सबके साथ होता है, मैं ही रहता हूँ इतना काम, मेरे को पता है ना यार हर चीज़ अपना मिलेगा, गुम का ही नहीं हो साला, इतना कॉन्फिडेंस है मेरे को पता नहीं क्यों, लेकिन आपने भी देखा फाइनली सब कुछ मिल जाता है तो होना चाहिए, इतना बनता है। भाई यार क्या क्या बताऊँ, क्या क्या चल रहा है अपने साथ में। तो हम लोगों ने यहाँ पे खाना पीना खा लिया अच्छे से, और 150 रुपये अपने पास बचा था तो लगभग इनका 60-70 रुपये होता था बिल, तो मैं दीदी को पैसे दे रहा था तो इन्होंने लेने से मना कर दिया, क्योंकि जब हम पुलिस वगैरह से बात कर रहे थे तो इन्होंने पूछा था क्या हुआ, तब हमने स्टोरी बताई इनको, तो फिर ये बोले कि हम पैसे नहीं लेगा, और पैसे ही सिर्फ नहीं लेगा, 200 रुपये दे दिए, बोले कि ये आप रखो आपके काम आएंगे। मैंने काफ़ी मना किया लेकिन मान ही नहीं रहे यार, पैसा मत लो खाने का चलता है ठीक है मैं मानता हूँ, बट पैसे लेना मेरे को बिल्कुल सही नहीं लगता, मैं वापस देने का ट्राई करता हूँ अगर लेते हैं तो। प्लीज आप क्या प्लीज प्लीज बोल रहे हैं, मेरे को अच्छा नहीं लगता, आप समझा अच्छा लगने से नहीं किया ना ऐसे, हमको अच्छा लगने के लिए आप लोग को, आप लोग ऐसा पैसे नहीं है बोला ना, लेकिन आप लोग अभी तो आपने हमें खाना खिला दिया, मैंने एक्सेप्ट किया, बट नहीं लो हम लोग थोड़ा देर बाद दुकान उधर नीचे जाएगा, पार्किंग में बहुत अच्छा जगह है, उधर में टेंट लगा सकते हैं, ओके अगर सोना है तो उधर में सो सकते हैं ना। ओके चलो आप एक काम करो, मेरे को फ़ोन देना आपने बोला, तो गिव मी योर कॉन्टेक्ट नंबर, जब मेरे पास पैसा होगा मैं आपको फ़ोन पे कर दूंगा रिटर्न, ये तो चलेगा ना? नहीं चलेगा, हम वापस करने के लिए नहीं किया ना। अरे तो मेरे पास ज्यादा होने से तो मेरे पास वॉलेट आ जाएगा तब तो दे सकता हूँ ना मैं, वापस देने के लिए नहीं किया ना आप लोग अभी, आज एक रात के लिए भी कितना हम लोग को पता है ना स्ट्रगल हो, हम लोग को बुरा दिन देखा ना इसलिए ऐसे। आपने देखा है बुरा दिन? हाँ इतना तो नहीं देखा लेकिन सरकाज़म हो गया। अल्पा ये दौरा नहीं, अल्पा हे दौरी रो कोई पांच वाला लोग कला हे दौरी, अल्पा नंग मालूम लोग खत्म से खराब थी यानी हाल लो, अल्पा रुई लो सल ताना रुई लो मोल बेना ताना ये छुआसले थे ये लो छुआसले दौरा भाई लो हम तो। Hey, how are you feeling? Good. Wait the wait. Yeah. So, अभी आ गए हम बेबी के रेस्टोरेंट से इनके घर के ऊपर, एंड दिस इज़ आवर डिनर, और ये बोल रहे हैं कि हमारे पास ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, यही है, इससे अच्छा क्या होगा, दिस इज इतना तो हम लोगों की शादी में भी नहीं होता सीरियसली। ओके स्टार्ट योर प्रेयर।
Now just tell me the names, okay? Yes, this is omelette, this is dal, and this is boiled rajma. Theek hai, ye chalega. This one? Spring onion. Onion with? Saum. Saum. Mm. Like this white thing, it's dahi or what? Soda and saum. Saum? Saum, what is saum? Pork oil. Pork oil, okay. And ye wala pork ho gaya, this one bhi pork. Aur ye? This? Baibin. Baibin, what is this? I don't know how to call it. And this? Ratwai bhujia. Ratwai? Bhujia. Bhujia. Bamboo shoot, malum hai? Bamboo, okay. खाके देखो देखता यहाँ पे नॉर्मली कितना बच्चा होता है आप लोगों के फोर ऐसा फोर एवरेज होता है ना फोर एवरेज होता है मेरे मम्मी ने कितना 13 बच्चा पैदा किया 13 योर 13 सिब्लिंग्स या योर प्लान मेरा प्लान मैं आई डोंट हैव एनी चाइल्ड आई हैव बीन मैरिड सिंस 10 ईयर ओके यू आर नॉट हैविंग ए चाइल्ड भगवान इट्स अपॉन Jesus. Abdona. Lisa Bolo. Before I used to ask God, I used to cry, but now I am happy that I don't have any child. If I have so many responsibility and all, and I'm free like this. I'm Jawani. Matlab, if God gave me, I didn't ignore it, but what? You are satisfied. Yeah, I'm satisfied. Yeah. Pelato, I'm not, but. God gave me that understanding and all of When you got this understanding, how many years? Around 2 years. Around 2 years. You started going to church or what? I used to be church, but means in Christian, it can be like lukewarm Christian means. I say just normal Christian, but now I'm born again means, even in Christian there is again born again. It means though I'm fully... I rely on God. I don't know how to say. No, like God is everything for you. Yeah. Something like that. यहाँ पर रखा एक fish aquarium. तो इनको भी खाना खिला देते हैं बच्चारियों को. Okay. Good night, बच्चों.